अभी आप दे दीजिए, लेकिन कुछ होगा नहीं लेने आप सुनिए, अगर हम कुछ होगा तो जिम्मेवारी आप लोग को लेना पड़ेगा। सरकार तुम्हारे साथ है, सारा सिस्टम तुम्हारे साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर चलना होगा, सिस्टम चल रहा है, और लोग नहीं है तुम्हारे परिवार में, ठीक है। एक और हमको पति नहीं लिया, वो भी नहीं दोनों। आज भी हमारे समाज में अफवाह को सच मानकर सरकार की जागरूकता व जान बचाने वाली बातों को दरकिनार किया जा रहा है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि कैसे यह युवक प्रशासनिक टीम को वैक्सीन के लिए गारंटी देने को कह रहा है। मतलब साफ है कि सरकार के द्वारा जारी वैक्सीन पर इस युवक को भरोसा नहीं है और वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। समाज में इस युवक की तरह ही सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो कोरोना को मजाक में ले रहे हैं और वैक्सीन को गलत साबित कर रहा है, जबकि प्रशासनिक टीम के वरीय अधिकारी खुद लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक कर रहे हैं। इसलिए कोरोना को अगर हराना है तो वैक्सीन का दोनों डोज लेना बहुत ही जरूरी है। इसी के तहत मधुबापुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में मेगा ड्राइव के तहत वैक्सीन दिया गया, जहां वैक्सीन नहीं ले रहे लोगों के घर तक अधिकारियों की टीम पहुंचकर जागरूक कर वैक्सीन की दोनों डोज दिलवाई। बेनीपट्टी भूमि उप समाहर्ता शिव कुमार पंडित के नेतृत्व में प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार, अंचलाधिकारी राम कुमार पासवान व चिकित्सा पदाधिकारी कामेश्वर महतो समेत अधिकारियों की टीम ने मधुबापुर बासकी बलबा मुखिया पट्टी त्रिमुहान पकरसाम बैंगरा में जाकर चल रहे कैंप का जायजा लिया तथा ANM आशा व आंगनबाड़ी सेविकाओं को वैक्सीन के संबंध में कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बताते चले कि प्रखंड में कुल 27 कैंप लगाए गए हैं, जहां अब तक पहली डोज का 65% और दूसरे डोज का 77% वैक्सीन लगाया जा चुका है। बचे बाकी लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। इस दौरान DCLR श्री पंडित ने बताया कि मेगा ड्राइव के तहत बचे लोगों में वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें प्रशासनिक टीम लगातार स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि तीसरी लहर को काफी हद तक रोका जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि तीसरी लहर को देखते हुए वैक्सीन का दोनों डोज आवश्यक है। तीसरी लहर को दवाई व कराई के ही तरीके से रोका जा सकता है, जिसके लिए हम सभी को जागरूक होकर वैक्सीन लेना होगा तथा बचे लोगों को दिलवाना भी होगा। मौके पर प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की टीम के सदस्य मौजूद थे। दो साल हो गया तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है सर, क्या दिक्कत? यहाँ से यहाँ तक खुला हुआ अगर तो आदमी डेट कर गया इसके कारण। दो साल पहले न करवाया है जी। खैनी अभी खाते हो ना? खैनी खाते हैं तो नहीं खराब करता है। इससे जो है ना जितना भी ऑर्गेनिज्म मजबूत होगा, बीमार को और जरूरी है। अभी नया वेरियंट आ गया है, अगर जो है वैक्सीन नहीं लिए रहोगे और बीमार कर देगा, जान जा सकता है। देखो एक बेटा क्या नाम है, देखो डॉक्टर साहब है, दोनों तीनों हमारे डॉक्टर साहब हैं, बात कर लो। पहले सर ले लेंगे, पहले तो अभी ले लेंगे, लेकिन कुछ होगा तब देखिए। सरकार है तुम्हारे साथ पूरा, जानते हो कि नहीं? देखो जो भी है ना, लेने के बाद वो ऑर्गन से और मजबूत हो जाता है, इसलिए आप दे दीजिए, लेकिन कुछ होगा सुनो, जिम्मेवारी आप लोग को लेना पड़ेगा। सरकार तुम्हारे साथ है, सारा सिस्टम तुम्हारे साथ है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर चलना होगा, सिस्टम चल रहा है, और लोग नहीं है तुम्हारे परिवार में, हमको पति नहीं लिया, वो भी नहीं। आज सरकार और प्रशासन के निर्देश के आलोक में कोविड के थर्ड वेव के परिप्रेक्ष्य में मेगा ड्राइव कैंप चल रहा है, जिसमें आपका मधुबापुर में फर्स्ट डोज का 65% और सेकंड का 77% कवरेज हो चुका है जी। जी आज मेगा ड्राइव के लिए 27 जगहों पर कैंप चल रहा है, मेरा टीम है और 27 टीम वहाँ गई हुई है, बाकी हम लोग खुद अपने टीम के साथ परीक्षण कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं 100% सिचुएशन जितनी जल्द से जल्द हो ताकि थर्ड वेव के ड्राइव को के प्रभाव को कम से कम किया जा सके। सर इस तरह का भी बात सामने आया कि कुछ लोग हैं जो वैक्सीन नहीं ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं तो अभी मैं खुद भी एक दो से मिला हूँ, मोटिवेट किया हूँ, कुछ लोग फिजिकली बता रहे हैं, उनको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो लोग, इससे मैं खुद मिला भी हूँ, एक दो लोग से मैं मिला भी हूँ।